नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज की ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखते हैं कि गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। गणेश जी का मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। तो देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए तीन कार्ड निकाले हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या हैं। गणेश जी का आपके लिए संदेश। गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। थ्री ऑफ कप्स, चैरियट, ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, गणेश जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपकी लाइफ की अभी सिचुएशंस ठीक नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स लग रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हों, या कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकता है, या स्टडी में प्रॉब्लम हो, करियर में प्रॉब्लम हो, मनी में, या घर में, कोई रिश्तों में, है ना। तो एडवर्सिटी, देखिए प्रॉब्लम्स ढेरों तरीके की होती है, कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती है ना। हर किसी की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की हेल्थ में भी हो सकती है ना। तो गणेश जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, भगवान क्यों देते हैं प्रॉब्लम को हमारी लाइफ में, भाई उसको सॉल्व करने के लिए। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ आप सीखोगे, है ना। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं वो कुछ सीखने के लिए आते हैं ना। यहाँ देखिए सीधा सीधा लिखा है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो अगर आप इसको चैलेंज के तौर पर नहीं देखेंगे, लर्निंग के तौर पर देखेंगे, तो क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है वो हल्का हो जाएगा, रिलैक्सिंग वाली एनर्जी में आ जाओगे, आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे। फिर ये जो आपकी बाहर की परिस्थिति है ना, ये आपको भारी बोझ नहीं लगेगी आपके सिर पर, आपको एक बोरी की तरह हैवी नहीं लगेगी ये। आपको क्या लगेगी कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी कि हाँ ठीक है, भगवान ने मुझको ये सिचुएशन दी है, तो मुझे क्या करना है, इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, यहाँ गणेश जी आपसे कहना चाह रहे हैं, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल पर काम करें, सेल्फ मास्टरी पर काम करें, है ना। क्या होता है, जब प्रॉब्लम्स हमारे अगेंस्ट होती है तो हम क्या होते हैं, अपने ऊपर से कंट्रोल छोड़ देते हैं ना, हम गुस्सा होने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, और इम्पेशेंट हो जाते हैं। इम्पेशेंट मतलब जब चीज़ें हमारे हिसाब से चलती हैं तब तो हम बड़ा रिलैक्स रहते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा जा रहा है, सब बढ़िया जा रहा है। पर जहाँ चीज़ें हमारे अगेंस्ट हुई तो क्या होता है, इंसान क्या होता है, अपना संयम खो देता है, धैर्य खो देता है, फिर वो हड़बड़ाने लगता है, अरे अब क्या होगा क्या हो। तो गणेश जी आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी सेल्फ कंट्रोल सीख सको, कि अपने आप पर कैसे कंट्रोल रखना है, अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल रखना है, अपने शब्दों पर, अपने एक्शंस पर कैसे कंट्रोल रखना है ना। और सेल्फ मास्टरी, कि मैं अपने आप को कैसे मास्टर कर सकूं कि कोई भी मुझको घुमा ना पाए, है ना। और दूसरे क्या सिखाना चाहते हैं गणेश जी आपको, पेशेंस। पेशेंस मतलब कि संयम, है ना। जैसे आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर, कि मतलब जो कुछ होता है वो भगवान के ऑर्डर के हिसाब से होगा, है ना। आप कितने भी हाथ पैर फेंक लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर होगा कब, जब भगवान ने वो चीज़ निश्चित की होगी, है ना। और देखिए इस तरह से आप गणेश जी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। गणेश जी के साथ तो कितना बड़ा ट्रॉमा हुआ था, है ना, उनके बचपन में उन्हीं के पिता ने उनका सिर काट दिया था, पर उन्होंने क्या किया, वो जो एडवर्सिटी थी, वो चैलेंज था उनकी लाइफ में, उनको एक्सेप्ट किया। और जब वो फिर से गणेश के रूप में रिफॉर्म हुए, जब उनको एक हाथी का मस्तक लगाया गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को और एक अच्छा इंसान बनाया, एक अच्छा देव पुत्र बनाया, समझदार बनाया उन्होंने, और अपनी बुद्धि का विकास किया, विकसित किया।
और उससे क्या हुआ, वो नंबर वन के पूज्य बन गए, है ना, नंबर वन के भगवान बन गए। आज हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उससे सीखा और खुद को क्या किया, बेहतर बनाया, सेल्फ मास्टरी करी, है ना। गणेश जी कितने शांत स्वभाव के हैं और कितने बुद्धिमान हैं। तो आपको भी क्या करना है, गणेश जी की एनर्जी ही अपने अंदर लेकर चीज़ों को सीखना है, समझना है और एक बेहतर इंसान बनना है ना। और गणेश जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपने कुछ गलत निर्णय ले लिए हैं अपने जीवन में, तो उसको क्या करें, उसको भी सीखें कि यार मुझसे अगर ये गलत डिसीजन ले लिया मैंने, तो वो एक तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि आप सीख लोगे, वो वाला गलत स्टेप नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, आपको क्या करना है, अपना जो आपका इंट्यूशन है, मतलब आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको भी यूज़ करना है अपनी हर लाइफ में। होता क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचते रहेंगे तो क्या होगा, उससे भी चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में मतलब रिजिड हो जाएंगी। उससे क्या होता है, हम चीज़ों की गहराई तक और भावनात्मक रूप से नहीं सोच पाते हैं। तो गणेश जी आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी थोड़ा जो आप जो भी काम करते हैं, भले ही आप करियर का काम कर रहे हो, बिजनेस हो आपका, लोगों से इंटरेक्ट करने का हो, तो उसमें आपको भावनाओं की तरफ से भी जुड़ने की जरूरत है। यहाँ देखिए थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये क्या है, कोलैबोरेशन का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है, लव का कार्ड है, एक इमोशनल बॉन्डिंग का कार्ड है ना। तो गणेश जी यही कह रहे हैं कि आप लोगों से इमोशनल बॉन्डिंग भी रखिए, है ना, इंसानों से एक सॉफ्ट बॉन्डिंग रखिए, एक प्योर बॉन्डिंग रखिए ना। हर चीज़ इतनी फ्रिक्शन वाली, खिंची तानी वाली नहीं होनी चाहिए ना। अगर रिलेशनशिप ऐसा खींचा खींचा हो जाएगा तो क्या होगा, उससे इंसानियत चली जाएगी। तो गणेश जी आपसे क्या कह रहे हैं, ऐसे फ्लोई वाली सॉफ्ट एनर्जी में रहिए, है ना। और क्या है, आपको ये कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, बस आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, खुद को निखारते रहना, तराशते रहना, और उससे क्या होगा, डेफिनेटली आप अपनी सेल्फ मास्टरी में आ जाएंगे, है ना। और क्या करना है, हमको धैर्य का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर आपको जल्दी मैनिफेस्ट करनी है तो एक्शन तो लेना ही है आपको, कर्म तो करना है, कर्म के साथ साथ आपको धैर्य भी लेकर चलना है। तो क्या होता है, चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती हैं, है ना। तो ये आपके लिए गणेश जी का संदेश था, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही मैच्योर संदेश है आपके लिए। एंड आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस संदेश को ज़रूर अपने लिए अप्लाई करें, फॉलो करें और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, और पेशेंस का ज़रूर आप इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, है ना। तो ये गणेश जी का आपके लिए संदेश था। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप, हवन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हर तरीके के हवन हैं, शुद्धि हवन, शांति हवन, अभी 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी हवन होने वाला है, महाकाली हवन करा सकते हैं, गणेश जी का हवन करा सकते हैं, पितृ हवन करा सकते हैं, जो भी आपको मतलब हवन करवाना हो वो आप करवा सकते हैं। और जो दूसरी पूजा सर्विसेज हैं, माला जाप वगैरह, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।